Hello students, hope you all are doing fine. So today in this session of mathematics, let us see our chapter number 2 in maths, that is the shapes and the angles. Before starting the chapter, यहाँ पे ऊपर एक topic दिया है, that is key ideas for the review. इस chapter को start करने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि first point यहाँ पे दिया हुआ है shapes of object और फिगर्स में भी ओपन और क्लोज्ड. हमने मैथमेटिक्स में प्रीवियस ईयर देखा था कि हम शेप्स किसको बोलते हैं. फॉर एग्जांपल थ्री साइड से जो शेप बना होता है उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं, फोर साइड से जो बना होता है उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं या स्क्वायर बोलते हैं, फाइव साइड से जो बना होता है वो पेंटागन, सिक्स साइड से जो बना होता है हेक्सागन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एज द नंबर ऑफ द साइड्स गोज ऑन इंक्रीजिंग उसको हम अलग अलग तरह के नेम देते हैं. फिगर ओपन होती है या क्लोज होती है इसके एग्जांपल्स हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओपन फिगर मतलब खुली हुई फिगर, अगर कहीं पे भी साइड जॉइंट नहीं है किसी दूसरी साइड से तो उसे हम ओपन फिगर कहेंगे, और वैसे ही क्लोज्ड फिगर हम उसे कहेंगे जो पूरी बंद फिगर है. बाय द यूज़ ऑफ मैथ स्टिक वी कैन ड्रॉ एनी टाइप ऑफ द फिगर. हम मैथ स्टिक्स का यूज़ करके हम किसी भी तरह की फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं. एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल. 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं. बट द क्वेश्चन अराइजेज हियर कि 90 डिग्री से कम वाला एंगल होगा तो उसे हम कौन सा कहेंगे. तो एग्जैक्टली 0 से लेकर 89 डिग्री तक का जो एंगल होता है उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री को राइट एंगल कहेंगे एंड 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक जो एंगल होता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे. 180 डिग्री का जो एंगल होता है एग्जैक्टली उसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है. एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. 90 डिग्री से कम वाला जो एंगल होता है उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं. अब यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 8 से लेकर. तो लेट अस लुक एट अवर क्वेश्चन नंबर 1. लुक एट द फॉलोइंग मैथ स्टिक शेप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पे मुझे एक शेप दिया हुआ है जो आपको भी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट पेज पर ही दिया होगा. तो लेट अस काउंट द नंबर ऑफ द साइड्स. अगर इसकी हम साइड्स काउंट करें टॉप से लेकर तो 1 2 3 4 5 6 7 8. ये फिगर जो बनी हुई है वो 8 साइड्स को ज्वाइन करके बनाई हुई है, और 8 साइड्स वाली जो फिगर बनाई जाती है उसे हम ऑक्टागन बोलते हैं. एग्जैक्टली जैसे ऑक्टोपस के 8 लेग्स होती है वैसे ऑक्टागन की 8 साइड्स होती है. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वन बाय वन. नंबर ए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, द क्वेश्चन इज टोटल साइड्स इन द अबव फिगर आर. इस ऊपर वाली फिगर में हमने जैसे कि रीड किया 8 नंबर ऑफ साइड्स लिखी हुई है, 8 नंबर ऑफ साइड्स है तो विल राइट 8 इन द आंसर. क्वेश्चन नंबर बी इज वेदर इट इज़ अ क्लोज्ड और ओपन शेप. मुझे तो ये सभी साइड से एक दूसरे से जो साइड्स है वो जुड़ी हुई लग रही है, दैट इज़ जॉइंट लग रही है, कहीं से भी ये ओपन नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर. नंबर सी क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ मैच पॉइंट्स आर. अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जब हम 8 साइड्स को एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर एक पॉइंट होगा. एक पॉइंट ऐसा होगा कि जो स्टार्टिंग होगा उसके बाद दूसरी मैच स्टिक पे जाके या दूसरी साइड पे जो वो जाके मिलेगा वहाँ पे एक दूसरा पॉइंट क्रिएट होगा. फिर जैसे जैसे हम साइड्स को ज्वाइन करते जाएंगे वैसे उनके जो कॉर्नर होंगे वहाँ पे पॉइंट क्रिएट होगा. तो जिस तरह से 8 साइड्स है यहाँ पे फिगर में वैसे 8 पॉइंट्स है यहाँ पर मैच के. नाउ इफ फिगर इज कट इंटू 2 पार्ट्स देन इट इज़ सिमेट्रिकल और नॉट. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझे कि सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या होता है. कोई भी फिगर को जब हम मिडल में से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स जब दोनों किसी फिगर के एक जैसे होते हैं तो उसे हम सिमेट्रिक फिगर बोलते हैं. तो इसी फिगर को अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो एग्जैक्टली एक साइड पे 4 साइड होगी तो दूसरी साइड पे दूसरी 4 साइड्स होगी, और जब हम मिडल में से डॉटेड लाइन करके इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो फिगर होगी वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी. दैट्स व्हाई दिस फिगर ऑफ द ऑक्टागन इज सिमेट्रिकल एंड द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन डी इज यस. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बहुत इजीली क्लियर कर लिया हमारा क्वेश्चन नंबर 1.
तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में यहाँ पे देखा कि कोई भी फिगर जो होती है वो अगर कहीं से ओपन है तो उसे ओपन कहा जाता है, और थोड़ी सी भी ओपन है तो भी उसे ओपन ही कहा जाएगा, एंड सभी तरफ से अगर वो क्लोज है तो उसे हम क्लोज्ड फिगर कहेंगे। सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2। राइट क्लोज और ओपन फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे कुछ हमें फिगर्स दी हुई है जिसके लिए हमें ओपन और क्लोज लिखना है। तो हमारी जो फर्स्ट वाली फिगर है जिसके अंदर 7 नंबर ऑफ साइड्स है, वो सभी तरफ से एक दूसरे के साथ में जॉइंट है, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट इज क्लोज फिगर। देखिए अभी सेकंड नंबर की जो फिगर दी हुई है वो मिडिल का ऐसा थोड़ा ही पार्ट है जहाँ से लेकर ओपन है, तो अगर थोड़ा सा पार्ट होगा ओपन होगा तो भी उसे हम ओपन फिगर ही कहेंगे। सो द करेक्ट आंसर फॉर द बी इज ओपन। देखिए अब थर्ड नंबर की जो फिगर दी हुई है वो अगर हम टिल्ट करके थोड़ा देखें तो इंग्लिश का स्मॉल लेटर बनता है सिंपल ABCD के अंदर R, इसे हम टिल्ट करके देखेंगे। और ये जो फिगर है अगर इसको मैं ऊपर से एक साइड ज्वाइन कर रहा हूँ तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे, बट जबकि यहाँ पे हमें साइड नहीं दी हुई है तो इस फिगर को हम ओपन ही कहेंगे। नंबर फोर्थ फिगर जो कि पेज नंबर 9 पर दी हुई है, जो फर्स्ट नंबर की फिगर है पेज नंबर 9 पे, वो सर्कल 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 यानी कि जो स्वीट आती है जलेबी, यस उसके जैसी दी हुई है, तो दिस इज़ ऑल्सो द ओपन फिगर। अब जो हमने थर्ड नंबर की फिगर देखी थी, सॉरी सेकंड नंबर की फिगर देखी थी पेज नंबर 8 पे, उसी को ही अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो क्लोज हो जाएगी। तो एग्जैक्टली फिफ्थ नंबर की जो फिगर है पेज नंबर 9 पे दी हुई है उसे हम क्लोज फिगर कहेंगे, क्योंकि ये सभी तरफ से जॉइंट है, दैट इज़ द ओनली रीज़न। और जो लास्ट फिगर है, एक बिगर सर्कल है उसके अंदर एक स्मॉलर सर्कल है और उसके अंदर एक स्मॉलर सर्कल है, कोई भी सर्कल ओपन नहीं है, सो दैट्स वाई दिस फिगर इज़ ऑल्सो द क्लोज फिगर। नाउ लेट अस लुक एट अवर क्वेश्चन नंबर 3। इट इज़ मार्क द बिगेस्ट एंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स विथ रेड कलर। डियर स्टूडेंट्स ये फिगर रेड कलर में दी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर यूज़ नहीं किया है, मैंने पेन से किया है। यू मे यूज़ एनी ऑफ द थिंग इन योर वर्क बुक, वेदर यू मे यूज़ द रेड कलर और यू मे यूज़ द पेंसिल फॉर द मार्किंग। तो चलिए इसका मीनिंग समझते हैं, क्वेश्चन का क्या है कि जो बिगेस्ट एंगल है फिगर के अंदर उसे हमें रेड कलर से मार्क करना है। तो फर्स्ट फिगर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइड्स है वो नंबर ऑफ साइड्स 6 है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 साइड्स वाली ये जो फिगर है वो एक हेक्सागोन फिगर है। अब देखो सभी तरफ से जहाँ पे भी हमें रेड कलर के पॉइंट्स दिए हुए हैं वो रेड कलर का पॉइंट्स यही होगा कि टू लाइंस यहाँ पे मीट हो रही है यानी कि मिल रही है, और जहाँ पे टू लाइंस मिलती है वहीं पे एक एंगल बनता है। तो जैसे यहाँ पे 6 नंबर ऑफ द लाइंस है 6 पॉइंट्स में मिल रही है, तो यहाँ पर भी जो एंगल्स बनेंगे वो भी डेफिनेटली 6 होंगे, क्योंकि ये जो फिगर हमें दी हुई है वो सभी एंगल्स जो दिए हुए हैं वो सभी डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमें वन बाय वन सभी एंगल्स को प्रोटेक्टर लेकर मेजर करना है, और सभी एंगल्स को मेजर करने के बाद में जो बिगेस्ट एंगल होगा उसे मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे जो आपको बताया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर जो फर्स्ट एंगल ही यहाँ से लेकर स्टार्ट हो रहा है वो बिगेस्ट एंगल है, ये अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री का एंगल है, और बाकी सब जो एंगल्स दिए हुए हैं वो लेस देन 90 डिग्री है। दैट्स वाई ये जो एंगल है यहाँ पे हम पेन से या पेंसिल से छोटा सा सर्कल बना सकते हैं। चलिए देखिए अब नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये एक स्क्वायर की फिगर है जो चारों तरफ से एक है। अब यहाँ पे इस फिगर के अंदर बिगेस्ट एंगल का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है, क्योंकि जब स्क्वायर वाली इक्वल नंबर ऑफ साइड्स वाली जो फिगर होती है उसमें सारे एंगल्स एक जैसे ही होते हैं, यानी कि स्क्वायर में जो चारों एंगल्स होते हैं वो सारे राइट एंगल्स होते हैं। अब जब राइट एंगल्स है सभी 90 डिग्री के तो कोई भी बिग या स्मॉल का क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम सभी पे एक बॉक्स जैसा बनाएंगे, क्योंकि सभी 90 डिग्री के एंगल है, यहाँ पे कोई भी एंगल बिगेस्ट नहीं है कोई भी स्मॉलेस्ट नहीं है, सभी इक्वल एंगल्स है। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने सभी एंगल्स पे यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है। नेक्स्ट फिगर को अगर हम देखें तो दिस इज़ द फिगर ऑफ द पेंटागॉन जिसमें 5 साइड्स हैं, एंड
उस फिगर के अंदर एक लेफ्ट साइड पे, दूसरा राइट साइड पे मैंने बॉक्स बनाया है, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है। डियर स्टूडेंट्स, 90 डिग्री हम उसको बोलते हैं जो कि राइट एंगल होता है, और प्रोटेक्टर रख के अगर जब हम मेजर करते हैं किसी लाइन को, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो और ऊपर की तरफ जिसका मार्किंग हो, पॉइंट हो, उसे हम 90 डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड वन में दिया हुआ है, ये 90 डिग्री वाले बिगेस्ट एंगल है, सो दैट्स वाई हम एक लेफ्ट साइड पे बॉक्स करेंगे और एक राइट साइड पे बॉक्स करेंगे। तो अब इसी तरह से क्वेश्चन फोर हमें देखना है, जिसके अंदर हमें वहाँ पर मार्क करना है जो एंगल सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इसका टॉपिक दिया हुआ है, मार्क द स्मॉलेस्ट एंगल इन द फॉलोइंग फिगर विद द रेड कलर। तो जब हम फर्स्ट फिगर को देख रहे हैं, इसमें फोर नंबर ऑफ साइड्स दी हुई है, जहाँ पर तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर की हमें फिगर दी हुई है, उसमें प्रोटेक्टर के साथ में मेजर करने के बाद में जो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, वो एक एक्यूट एंगल है। एंड बिकॉज इट इज़ एन एक्यूट एंगल जिसकी मेजर 90 डिग्री से कम है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा। चलिए देखते हैं हमारे फिगर नंबर सेकंड पे, जहाँ पे एक टेल जैसा, यानी कि पूंछ जैसा एक एक्सटेंड करके जो दिया हुआ है हमें लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे दो साइड्स एक्स्ट्रा मीट कर रही है, और इसे जब हम प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो इसकी मेजरमेंट 30 डिग्री से भी कम होगी, तो ये एक एक्यूट एंगल है जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। फिगर नंबर थ्री में ट्रायंगल को अपसाइड डाउन किया हुआ है, यानी कि उल्टा ट्रायंगल दिया हुआ है, और जो नीचे वाला पॉइंट है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ द वेरी स्मॉलेस्ट इन द फिगर।